वीडियो मैं नहीं बनाता और न ही इस चीज़ को मैं पब्लिक करता। लगभग एक हफ्ते हो गए हैं और घर से कहीं बाहर जा चुके भाई। अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो तो तुमसे कहना चाहता हूँ, चाहूँगा क्या होगा दो चार मुझे गाल यही पड़ जाएंगे तो तुम्हारे लिए सह लूँगा। राम राम फैमिली, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्त देखिए, पिछले वीडियो में हम कुछ कमेंट देखे थे कि विकास भाई अपना बाल दाढ़ी सेट करवा दीजिए, तो मैंने करवा लिए हैं अपना दाढ़ी भी और बाल भी। सुबह ही ना, गुड मॉर्निंग बोलो सभी को। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और आज है सुहाना की पहली क्लास, मतलब पहली दिन थी ना, पहली क्लास है। यूकेजी क्लास में पहली क्लास। हाँ, तो सुहाना जा चुकी है अब यूकेजी क्लास, यूकेजी में। पीजी कंप्लीट कर ली है, नर्सरी भी हो गया, एलकेजी भी हो गया, अब फाइनली पहुंच चुकी है यूकेजी में, है ना सना? यूकेजी में पहुंच गई था ना। देख लीजिए, हमारी सुहाना बड़ी हो रही है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के साथ, हमारे साथ, मतलब खेलते धूपते नजरों के सामने देते देते सुहाना बड़ी हो, सुहाना बड़ी हो रही है। और सुहाना का बर्थडे भी इसी महीने है, अगले महीने फाइव का, अगले महीने, अगले महीने सुहाना की बर्थडे है। सुहाना, बर्थडे में क्या चाहिए आपको बताओ, हमसे क्या चाहिए आपको, क्या गिफ्ट लोगे बताओ? बताओ, हम सब तो आपके चाहने वाले हैं ना, और आपका तो मई में बर्थडे है 5 तारीख को, तो आपको क्या चाहिए बताओ हमसे? पापा से हमको चाहिए, हाँ, गिफ्ट में एक डॉल। डॉल? और मम्मी से? मम्मी से क्या चाहिए? एक छोटा वाला, हाँ, डायनासोर। डायनासोर खेलने वाला, खेलने वाला। और जितने भी हमारे YouTube फैमिली है उनसे क्या चाहिए बताओ? बोलो, लाइक चाहिए और सब्सक्राइब। हाँ, तो सुहाना के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मैगी। बाप रे, सिंपल से मैगी, थोड़ा सा पानी और पड़ेगा, पानी दे इसमें। डाल देंगे मैगी मसाला, 2 मिनट मैगी बनता है 5 मिनट में। अभी 1 मिनट और बनने देते हैं, फिर बता देंगे। दीमू, मैगी में बोलते हैं कि 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन लगता है 5 मिनट से ज़्यादा है कि नहीं सुहाना? पेट भर गया, मैगी चाहिए बताओ, है? भर गया पेट, हाँ? तो कौन खाएगा मैगी? बट हम नहीं खाते हैं, और बाट लेके आओ, हम देते हैं आपको मैगी। देखो तो सुहाना, अच्छा है बना, अच्छे से पकड़ो ना, कैसे पकड़े, गिर ही जाएगी। चम्मच लो, काटा वाले चम्मच के साथ खाओ, पूरा सफेद सफेद है, इसमें हल्दी नहीं डाले। ठंडा कर देती हूँ। बीमू का तबीयत पूरा डाउन है शायद, नींद लगी है मम्मा को। नहीं, बड़े त्योहार है ना, 2-3 रात से ऐसा हो गया कि अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं। जाओ सो जाओ, इसलिए ठंडा लग गया है और नींद बहुत आता है। जाओ सो जाओ, जाओ, इसलिए तो हम खुद ही बना दिए मैगी सुहाना के लिए, बनाए थे सुहाना के लिए। खा रही है बीम, चपर चुपुर खा रही है, टेस्ट कर दिए, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। आप खा के देखो सुहाना, फूफू करो, फूफू करो, फूफू करो, फूफू क्या हुआ? अच्छा है, अच्छा है, वही तो पूछ रहे थे तब से हम। राम राम फैमिली, गुड मॉर्निंग, ये है अगला दिन और चलिए सुबह हो चुकी है, और दीमू जी नहा धोकर किचन में आ चुकी है पूजा सूजा करके, और अभी अदरक को काट रही है, क्यों पता नहीं क्यों काट रही है जी अदरक को। पकौड़ा बनाएंगे, पकौड़ा बना रही है, क्या चीज़ का? सब्जी नहीं है ना आज, यहाँ पे हड्डियाँ है, दाल चावल और पकौड़ा बनेगा, आलू परवल प्याज का पकौड़ा।
आलू परवल प्याज का ये तो यूनिक हो गया, ऐसा पकौड़ा हम कभी नहीं खाए। अलग अलग आलू का अलग परवल। अच्छा तरुआ। हाँ। हम बोलते कि ये होगा पकौड़ा वाला। कैमरा पे कुछ लगा है ऊपर वाले पे। तक में क्या क्या हो गया है? दाल हुआ है, पर चावल चढ़ा है। दाल हुआ है, चावल चढ़ा है, और पकौड़ा होगा खाने हो जाएगा ना। और पकौड़ा पकौड़ा की तैयारी में क्या बनाई? यहाँ पे ये दिए चावल रात को डाल दिया था। इसी में पकौड़ा को भिगो भिगो कर बनाओगी ना, इससे बैटर बनेगा। क्या बनेगा? बैटर। बैटर। तो चलिए बीमू पीस रही है अपने नरम नरम हाथों से। वो वाले रील्स बना लीजिए। कौन वाला? यहाँ पे देखिए मस्त फर्स्ट क्लास हो चुका है, ये मसाला बन चुका है। अब इसमें सारा चीज डालोगी ना बीमू? इसमें मसाला सब डालेंगे। यहाँ पे पानी क्यों खत्म कर रही है? खत्म नहीं कर रहे, निकाल रहे हैं। क्यों? इसके अंदर है ये चावल। अच्छा उसको और पीसोगी? अभी बाकी है और भी। हाँ, पीसना बाकी है। अच्छा जी पीसिए। खाना खा के छत पे आ गए हैं आप सबको कुछ दिखाने के लिए। और भी और यहाँ पे मेहनत रंग ला रही है। क्या हुआ? हमारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ ये देखिए हमने छुटकू सा खेत बनाए थे। कितना अच्छा अच्छा हरा हरा दिख रहा था। आप इसको ऊपर से ये डाल के ऐश डाल के एकदम गंदा कर दिए। गंदा कर दे के इसमें हम थोड़ा सा विटामिन डाले। विटामिन नीचे डाला होता है ऊपर नहीं। तो नीचे चला गया, देखो ना नीचे भी जा चुका है। ये देखिए फल आने लगा मिर्ची के पौधा में। देखिए थोड़ा सा इसमें खाद डाल दो। खाद नहीं डालेंगे, खाद ऐसे फल रहा है। अरे खाद डालोगे तो ज्यादा फलेगा। ये यही है, ये यही डालिए ना खाद। उधर मामी जी से घर से थोड़ा सा लेके आते। हाँ। उदय को बोला एक मुट्ठी खाद लेके आए। हाँ। देखिए ये फ्लावर भी कितना हरा हरा हो गया। डेली पानी डाल रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा। एक बाल्टी पानी डाल देते हैं फिर भी शाम तक सूख जाता है। अगली सुबह को पूरा सूखा रहता है ना। हाँ, ये हमारा बैकग्राउंड बनेगा, रेसिपी वीडियो बनाएंगे तब। देखिए ना धनिया भी अभी ये इसको थोड़ा ऊपर से ये छाव डाल के एकदम गंदा कर दिए है, नहीं तो एकदम अच्छा अच्छा दिखता है। देखिए धनिया को सुला दिए है बेचारे को। धनिया भी हो गया था। कितना अच्छा धनिया देखिए बेचारे को सुला दिए थे हम। हंसी आ जाता है किसी किसी बात पे। और ये साग में ना कुछ तो प्रॉब्लम है, लक्ष्मण बूटी भी निकल रहा है। निकल रहा है? हाँ, ये छूना नहीं होता है पौधों सबको। अच्छा और ये क्या कौन सा चीज का लत्ती है? वो कुछ लत्ती है, ऐसे ऐसे फलता है। आपका बहुत बात होता रहता ना कि वो हो गया ये है गया ऐसा होगा वो ना। मैं एक बात में बता रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है। एक बात में बता रहा हूँ, मुझे ना अंदर में जो रहता है मैं वो निकाल नहीं पाती हूँ बाहर। मतलब अंदर में बहुत कुछ रहता है कहने को लेकिन मैं कह नहीं पाती। तो वो तो ये ऐसे में जवाब देती रहती है। इसमें वो फलता है क्या? नोच क्यों दिए उसको? ये घास है। ये घास थोड़ी है, ये घास नहीं। इसमें कद्दू फलता शायद। देखिए ये देखिए इसमें कुछ फलता है वो वाली। हाँ फिर से वही बात, ये घास है मुझे पता है। फिर से नाक से सूंघ रहे। लास्ट वीडियो में कितना सिखाया था। पता चलेगा ना क्या है। कुछ तो है, मुझे एकदम जाना पहचाना सा लग रहा है लेकिन मुझे याद नहीं। अरे ये वो है ना, तो क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट गार्ड, उसका पेड़ था ये। क्या व्हाइट गार्ड? वो को जो हम कुमरोड़ी खाते है, कुमार बड़ा या कुमार, कुमार ऐसा होता है। हाँ, इसका पेड़ है ये बिल्कुल कुमार है ये। नोच क्यों दिए? कितना अच्छा फल था उसमें, मैं खाता भी हूँ ये कुमार। रोक देती हूँ, ठीक है। आप कहाँ हो लगेगा ये? लग जाएगा लेकिन मैं बोल रही हूँ ये घास है। आपके कहने से ही घास ये है। देखिए ना इतना इतना छोटा छोटा फड़ेगा, ये बकरी लोग खाते हैं। बकरी लोग खाते हैं, बकरी लोग है। हाँ। घास है तो घास को हटाओ। घास है कि राई? ये घास है भगवान। राई साग है, राई साग। ये आप क्या कर रही हो बाबू, मुझे गुस्सा आ रहा है। राई साग है तो उसको क्यों नोच रहे हो? घास को नोचो ना, मतलब हर चीज को तोड़ रही हो आप। इसलिए इसको पता लगाने के लिए इसे मसल के ये आपको है साइंटिस्ट मैन, आपकी कोई जरूरत नहीं पता लगाने की। घास को मत उखाड़ दो, क्या है वो खुद ही हम पता लगा लेंगे। ये है घास, ये इसको नुचार, इसको नुचार। ये देखिए मैं बोल रही हूँ, जब दो पत्ता था ना उस टाइम पे जब हम बोल रहे थे सरसों की तरह है, सरसों की तरह लग रहा है सुन के, वो ये था। ये देखिए हम बोल के लाए थे ये वाली साग, दिखाइए यहाँ पे, ये ठड़िया साग बोल के हम लाए थे ये। लेकिन ये निकल रहा है, ये मुरई है। लेकिन ये निकला ये है, ये हाँ राई साग है, ये भी राई साग है, ये सब। ये जो ये इसका खुशबू जो आ रहा था ना मस्टर्ड का, सरसों का, ये था राई साग। और यहाँ पे आ गई, गई थी खेलने गई थी अभी। और चलो एक बहुत जरूरी बात है जो बताना पड़ेगा, आइए।
दोस्तों, आप सबको हम पिछले वीडियो में किसी वीडियो में हम बताए थे ना, जब फैमिली वाली कुछ बात हुई थी तो कि फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम, तो हम ये सब बताना अपने आप सबको पता ही है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, सब चीज़ हम बता के रखे हैं ना, तो वही है प्रॉब्लम हम अभी भी है मेरे फैमिली में थोड़ा बहुत बहुत ही है। और उसमें से एक चीज़ ये हो गई है कि अभी ये वीडियो मैं नहीं बनाता और ना ही इस चीज़ को मैं पब्लिक करता, क्योंकि सबको पता ही है कि मेरी फैमिली क्या है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मेरा भाई है चंदन, वो लगभग एक हफ्ते हो गए हैं और घर से कहीं बाहर जा चुके हैं। रीज़न ये है कि घर में कुछ थोड़ी बहुत हो गई थी लड़ाइयाँ, जो कि पापा अक्सर करते ही रहते हैं ना, तो उसके वजह से। तो वो पहले तो दो तीन बार मेरे पास आ जाया करता था यहाँ रहने के लिए, और फिर जब चीज़ें ठीक हो जाती थी ना तो फिर वापस घर चले जाते थे। लेकिन अभी वो कांटेक्ट में नहीं है, तो हमें पता है वो जहाँ भी रहता है हमारा ब्लॉग कभी भी मिस नहीं करता है, वो हमारा ब्लॉग देखता ही रहता है। तो भाई, अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो तो तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम मैं मानता हूँ कि अपना घर थोड़ा सा है, बाकी वो घर से अलग है थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी, तो इस चीज़ को ठीक करने के तो बहुत कोशिश किए हमने, बहुत लोगों ने कोशिश किए। पहले हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ था तो सब भाई भाभी सब एक साथ ही रहते थे, वो लोग भी कोशिश किए, नहीं कर सके। फिर हम तो शुरू से ही कोशिश कर रही है। तो देखिए, अब मम्मी तो जब से शादी करके आई तब से दुख झेल रही है, तो देखो वो अभी भी उसी घर में है और स्ट्रगल कर रही है। और रही बात हमारी, हमारी भी कहानी तो सब यूट्यूब फैमिली को पता है, बाकी भाई तुमको भी पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, कितना दुख तकलीफ हम झेले हैं, फिर भी जी रहे हैं, ज़िंदगी है, कहीं भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हमको भी पता है कि चंदन, अगर तुम देख रहे हो तो, अगर हमारे फैमिली ठीक रहता तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी दुख नहीं होती, क्योंकि भगवान ने किस चीज़ की कमी नहीं रखी हमारी ज़िंदगी में, है कि नहीं? खेत है, घर है, और क्या चाहिए? कुछ भी काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और रहेंगे सब लोग साथ ही मिलजुल के, लेकिन सिर्फ एक लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी है। तो मैं यही कहूँगा, गुस्से में आकर कोई कदम मत उठाओ, कोई बुरा कदम मत उठाओ, कहीं भी मत चले जाओ वो भी कॉन्टैक्ट छोड़ करके। यही कहूँगा भाई, तुम जहाँ कहीं भी हो कम से कम मुझसे कॉन्टैक्ट करना और आ जाना। मुझे पता है तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए हो, क्योंकि दोस्तों मैं आप सबको बता दूँ कि चंदन जब भी घर में लफड़ा होता था और मेरे पास आते थे तो हमें गालियाँ पड़ती थी कि ये लोग अपने पास क्यों रहने दिए, वगैरह वगैरह, सब पता है आप सभी को। तो मेरे भाई शायद इसी वजह से इस बार मेरे पास नहीं आए कि जिस टाइम पे हमें निकाले थे उस टाइम पे भी यही बोले थे कि जो लोग भी इन लोगों को रखेगा उनसे हम अपना रिश्ता नहीं रखेंगे। तो वैसे भी तो ये बात है, तो भाई को मैं ये कहना चाहूँगा, क्या होगा दो चार मुझे गालियाँ ही पड़ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए सही लूँगा। आ जाना भाई, कहीं भी हो तो मेरे पास, ठीक है? और सबसे पहले मुझे कॉल करना, तुम कहाँ हो पता नहीं है, तो जब भी ये वीडियो देखो उसी वक्त मेरे को कॉल करना। और मुझे भरोसा है कि तुम मुझे कॉल करोगे, मेरे बात कभी नहीं टालते हो तुम, तो कॉल करोगे, ठीक है? अगर नहीं किए तो तुम जहाँ हो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर से कल ही बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन आज शाम तक तुम्हारे पास टाइम है, कॉल करना, नहीं तो मैं कल ही तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलूँगा। जहाँ ढूंढना पड़े तुमको मैं निकल जाऊँगा घर से बाहर, ठीक है? चाहे जितने दिन में तुम मुझे मिले। मुझे पता है कहीं कहीं से मालूम पड़ा है कि अहमदाबाद, पंजाब, कोई बोल रहा था कि उधर सिलीगुड़ी उस तरफ शायद जाने की बात हो रही थी। तो देखो तुम कहाँ हो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी हो ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे हो या कॉल पे हो कांटेक्ट करो। टेंशन हो रही है क्योंकि ये बड़ी जालिम दुनिया है और तुम बहुत भोले हो, तुम्हारे पास उतना वो नहीं है कि तुम सही गलत का छू कर सको। बाहर ऐसे नहीं गए, नहीं गए हो तो डर है कि कहीं तुम किसी क्राइम का हिस्सा ना बन जाओ, है ना, कहीं तुम फंस वस ना जाओ। तो हम देखेंगे, पहले बात तो करो, हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे जो भी रहेगा, लेकिन हाँ बात करो और जहाँ भी हो बताओ, अगर तुम आ सकते हो तो मेरे पास ही आओ, नहीं तो फिर बात करो, तुम कहो मैं ही वहाँ आ जाऊँगा तुमको लेने के लिए, ठीक है? तो ये दोस्तों मेरे भाई के लिए ये मैसेज था, मुझे पता है वो मैसेज करेंगे, बात कर ही लेंगे, इतना मानता है वो हमको कि हमारे कोई भी बात नहीं टालता है। तो बाकी हमारी ज़िंदगी में सच्ची बताऊँ दोस्तों, तो एक ही तकलीफ है, एक ही दुख है हमारी ज़िंदगी में, और वो है फैमिली। हमारे फैमिली, अगर फैमिली है मेरे पापा अगर ठीक रहते ना, मतलब किसी भी चीज़ की तकलीफ ही नहीं होती, है कि नहीं? हमारे पास अच्छा खासा खेत है दोस्तों, हम किसान के बेटे हैं, खेत अच्छा खासा और ज़मीन भी है, घर भी है, घराड़ी भी है, सब चीज़ है, बैल बकरी सब चीज़ है है ना, और शहर में भी घर है, ये हो गया घर, तो सब चीज़ है, लेकिन यही है फैमिली में एकजुट होके हम नहीं रह पाते, इसी वजह से हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिजनेस भी है, सब चीज़ है पापा की, बस एक ही दिक्कत है कि नहीं बन पाती है हमारी, इस वजह से थोड़ा स्ट्रगल है लाइफ में। वो ठीक हो जाता तो हमारा स्ट्रगल भी खत्म हो जाती,
है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होना है। वैसे तो बहुत से स्ट्रगल सालों से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी, मैं 25 साल का हो गया हूँ, 26 साल का, इतना स्ट्रगल गुजार दिए हैं। मेरे मम्मी का तौर कितना साल हो गया, वो अपना स्ट्रगल गुजार दी, लेकिन ठीक तो नहीं हुई है चीज़ें। अब देखते हैं होती भी है कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। होपफुली आप लोग भी कमेंट कीजिएगा मेरे भाई के लिए कि वो आ जाए मेरी बात मानकर कॉन्टैक्ट में एटलीस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, फिर मिलते हैं।